अटेंशन, तारीख 19 मई 2026, अनीस और अश्विनी नाम का 24 वर्षीय कपल देर रात तक पुणे में मोटरसाइकिल से जा रहा था और उसी दिन रियल एस्टेट मालिक विशाल अग्रवाल का 17 वर्षीय बेटा वेदांत अग्रवाल कथित तौर पर नशे में था। रिपोर्ट के मुताबिक वेदांत बिना किसी ड्राइविंग लाइसेंस के अपनी पोर्स कार को बिना नंबर प्लेट के 200 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चला रहा था और सुबह का करीब 3:15 बजे कल्याणी नगर के पास एक दुर्घटना हुई जब उन्होंने अपनी कार पर नियंत्रण खो दिया और 24 वर्षीय जोड़े से टकरा गई। सीसीटीवी के मुताबिक दोनों 20 फुट दूर जाकर गिरे, परिणाम स्वरूप दोनों की मौत हो गई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वेदांत को उनके वकील ने तुरंत 15 घंटे में पहला दुर्घटना पर निबंध लिखे, दूसरा ट्रैफिक पुलिस के साथ 15 दिन काम करे और तीसरा परामर्श ले और शराब पीने की आदत का इलाज करे, इन शर्तों के तहत जमानत दे। इसके बाद नेटिजन्स ने एक्सपर्ट जज से पूछा, क्या एक निबंध लिखने से दो जीवन के नुकसान की भरपाई कर सकता है? क्या भारत में कानून केवल अमीर लोगों के लिए काम करता है? दोनों परिवार के सदस्य ने कहा कि दोनों आईटी इंजीनियर थे और कुछ बड़ा करने का सपना देखते थे, लेकिन सब कुछ एक ही बार में टूट गया। आखिर में हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को पता चले कि कानून और न्याय प्रणाली एक मजाक है।